क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। जो हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ये मैंने 1 2 और 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखे हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेशन दिए हैं, उसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है -7 raised to the power 1/3। तो देखिए -7, ठीक है, इसका पावर ये न्यूमरेटर में 1 है, इसको आप इधर लेके फिर आप रेडिकल साइन लगा दें, और यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में है 3, इसको आप इधर रेडिकल साइन के साथ इंडेक्स में लगा दें। तो ये -7 अंडर द रेडिकल साइन और ये 3, ये हुआ रेडिकल फॉर्म। इसी तरह सेकंड पार्ट में x raised to the power -3/2। तो देखिए x इधर आपके पास ऊपर ये जो नोमिनेटर में आपके पास -3 है, इसको आप x का पावर ले लें, ठीक है, फिर रेडिकल साइन लगा दें, और इधर डिनोमिनेटर में जो है नंबर वो 2, इसको आप रेडिकल साइन के साथ इंडेक्स में लिखे। तो ये आपके पास क्या है, x raised to power -3 रेडिकल साइन और इंडेक्स 2, ये आपके पास इसका रेडिकल फॉर्म है। याद रखे यहाँ पर अगर इंडेक्स 2 है तो उसको हम नहीं लिखते, वो ये अंडरस्टूड है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, अगर ना हो तो इंडेक्स 2 ही होता है, सही है। इसी तरह -8 raised to the power 1/5, तो -8 इसके इधर नोमिनेटर में आपके पास क्या है, 1 है, उसको आप इधर 8 का पावर ले लें, फिर रेडिकल साइन लगा लें, और जो डिनोमिनेटर में नंबर है यहाँ पर 5 है, उसको आप इधर रेडिकल साइन के साथ इंडेक्स में लिखे। इसको आप 8 लिख सकते हैं, एनीथिंग पावर 1, उससे फिर वही नंबर आता है, और ये 5, ठीक है। तो ये इसका रेडिकल फॉर्म हुआ। ये पहले 3 पार्ट्स थे इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 4 y raised to power 3/4, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए y 3/4, ये जो 3 है ऊपर वाला नंबर 3, इसको आप y का पावर ले लें, यानी बेस का पावर ले लें, ठीक है, फिर रेडिकल साइन लगा दें, और ये जो नीचे नंबर है 4, इसको आप रेडिकल साइन के साथ इंडेक्स में लिखे। इसी तरह इसी क्वेश्चन में पार्ट 5 जो है वो है b raised to the power 4/5। तो ऊपर b लेके ऊपर जो नंबर है 4, उसको आप b का पावर यानी इस बेस का पावर ले लें, फिर रेडिकल साइन लेके रेडिकल साइन इसके ऊपर डालें, और ये जो नीचे नंबर होगा, जो भी नीचे नंबर होगा, उसको आप इधर रेडिकल साइन के साथ इंडेक्स में लिखें। इसी तरह पार्ट 6 इसमें है 3x 1/3, 3x 1/3, 3x लिखे इस तरह, ऊपर ये नंबर क्या है 1, उसको आप 3x का पावर ले लें, फिर रेडिकल साइन लेके इसके ऊपर रेडिकल साइन लगा दें, और ये जो क्यों है आप इधर इसके साथ इंडेक्स में लिखे, रेडिकल साइन के साथ इंडेक्स में लिखे। तो इसी तरह हम जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उसको रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं।